सो हे गाइस, दिस इज़ मार्शल। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मुझे अभी एक रेस्क्यू कॉल आया है और वो कातरप एरिया में एक पनवेल हाईवे प्लेस है, वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट है। वहाँ जाके देखते हैं सिचुएशन कैसी है और सांप अच्छे से रेस्क्यू करते हैं। वाइपर से अभी फोटो निकालना ना, फोन दिखाओ ना। इतना जल्दी नहीं हटा चैनल, उधर ही मत डालना, इधर ले ना पीछे। अरे ये चला, ये लोग निकला दिया। ए जगह हटा, हुक कोई हां, वो सरिया लपटा हुआ ना, उसको लेके ले आजा। अरे वो चैनल पे ये करो, वो सरिया से लो। हां हां बाबा, रुको रुको, जरा दूरी हटो। ए बाबर, वो चैनल को ऐसा कर सरिया से, वो चैनल को ऐसा कर। नहीं नहीं, रहने दो लवकर या बघा, अजून एक आहे। दूर रहो रे, हिलो मत रे, हिलो मत रे। अभी कोई हिलना नहीं, हिलना नहीं, कोई हिलना नहीं, हिलो मत, हिलो मत। क्या हम फटने के मतलब है? एक फरार करना, लो चलो उड़ाता पीछे। वही मत करो, आगे वही खड़ी हो गई। ये डुग 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 डुब डुब और पोचुर रहा है। ए देखो आवाज से देख, उसको रख दे। ए मंगूर हट उधर से, चश्मा वाले को पहले पकड़ता है वो मंगूर पॉइंट मध्ये। अरे हमरा काफे लोग अगर हम लोग भी पकड़ भी जाएंगे और सुमन। हां नहीं भाई, ए सुमन सुनर लो, बैंड वाला नंबर ले ला, लैंड हो गया, लैंड वाला टुकड़ा ला। ये बोले मेरे बच्चे बैंड में से अच्छा रहेगा। अरे वो बढ़िया रहेगा, लो इसमें अच्छा। गाइस, ये रसल स्वाइपर हम लोग फॉरेस्ट में रिलीज करने आए हैं, तो ये सांप के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा मैं। ये इंडिया का सबसे ज्यादा काटने वाला सांप है, लोगों के कांटेक्ट में आता है ये सांप बहुत, और ये बहुत जहरीला सांप है। ये सांप ज़्यादातर खेतों में पाया जाता है क्योंकि वहाँ चूहे रहते हैं उसे खाने के लिए, और लोगों का पैर पड़ते ही वो सांप उन्हें काट लेता है। और इंडिया में ज़्यादातर लोग इसी सांप से मरते हैं। ये नॉक्टर्नल रहता है, ये सांप ज़्यादातर रात में एक्टिव रहता है। इंडिया में जो चार जहरीले सांप है, ब्रसल्स वाइपर, सॉस्केल्ड वाइपर, स्पेक्टेकल्ड कोबरा और कॉमन क्रेट, उनमें ये जो है रसल्स वाइपर, ये सबसे ज़्यादा इंसानों को काटता है। तो ये सांप को हम लोग रिलीज़ कर देंगे फॉरेस्ट में। अरे सांप जब गुस्सा होता है तो बहुत तेज आवाज करता है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कैसे फुफकार रहा है सांप।